हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या रह सकते शॉर्ट। क्या रह सकते शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, इफ़ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है, उनके एंगल्स हैं ए बी एंड सी, प्रूव दैट टैन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसे हम करेंगे कैसे, लेकिन देखो, हमेशा क्वेश्चन में ही जो है उसका जो आंसर होता है उसका हिंट छुपा होता है। आपसे इसमें ये कह रहे हैं कि ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स हैं, ठीक है ना। ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स क्या हैं ए बी सी। तो देखो यहाँ पे यही तो होगा ट्रायंगल, ये ए, ये बी और ये सी। कह रहा है कि एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। और आपको ये पता है कि ट्रायंगल्स के एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। बस यहाँ तक अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि एंगल्स कौन कौन से हैं, ए बी सी है। तो जब इनका सम आप करोगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपके क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए लिखेंगे। तो अब इस b प्लस सी की वैल्यू को हमें यूज़ करना है यहाँ पे, तो इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि tan b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू होता है cot a बाई टू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, अब देखो tan b प्लस सी की जगह हम लिखते हैं 180 माइनस ए, तो ये हो गया tan 180 माइनस ए, और बाई टू आपका चूंकि पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, टेन 180 माइनस ए बाई टू है, दैट मीन्स कि इस टू का डिवाइड एक बार 180 में होगा, एक बार ए में होगा। डायरेक्टली ना करके मैं इसे ऐसे आपको दिखा रही हूँ, 180 बाई टू माइनस ए बाई टू। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस ए बाई टू। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको ये पता है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, और यहाँ पे जो थीटा की जगह वैल्यू है वो है a बाई टू, तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी cot a बाई टू। और यही आपको यहाँ से प्रूफ करना था, और यही इसका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये आपको प्रूफ करना था, और यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया है tan b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू cot a बाई टू। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 12। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।